तो दोस्तों हम जा रहे हैं पहले झज्जर, झज्जर से जाएंगे गुड़गांव और रोड दादरी से यहाँ तक का काफ़ी अच्छा है। बस हल्का फुल्का कहीं पे काम चल रहा है और अभी आगे का रास्ता आपको दिखाते हैं। काफ़ी बढ़िया है, दोपहर का समय है, मैं निकल चुका हूँ। दोपहर का समय है और मैं निकल चुका हूँ। कल घर आया था, छुट्टी था मेरा, हॉलीडे। और अभी मैं जा रहा हूँ गुड़गांव वापस। अपना डेली का मेरा क्लासेस है, मुझे वो भी अटेंड करना रहता है। और मुझे होमवर्क कुछ ज़्यादा ही मिल गया था, तो मेरे पास अभी मेरा वाईफाई भी नहीं चल रहा था। और मुझे कुछ ज़रूरी सामान कैरी करना था, वो मैंने कर लिया है कुछ। तो मैं निकल लेता हूँ और धीरे धीरे पहुँच जाऊँगा। वैसे तो धूप है, लेकिन मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा अपना गुड़गांव। देखते रहिए आप मेरी वीडियो। रास्ते में मैं रोड्स के बारे में आपको बता दूंगा कि रोड्स कैसे हैं, मतलब आप गाड़ी से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो। और ज़्यादा कुछ है नहीं कि मैं कहीं पे रुक के आपको कुछ दिखाऊं, कुछ अच्छी जगह, क्योंकि यहाँ पे पूरा फार्मर लैंड है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड है। तो फसल वगैरह ही यहाँ पे उगा रखी है लोगों ने, आपको दिख रही होगी वहाँ पे इस साइड में, इधर पे भी। और कोई अच्छी जगह आएगी तो मैं ज़रूर कैप्चर करूँगा। मैं आ चुका हूँ जहाजगढ़ माजरा, यहाँ पे अभी मैं रुका हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक था चुपचक वाला साइड में। और फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगी रहती है ट्रकों की, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे ये रोड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जो रोड ये छुच्चकवास से इधर की साइड आता है, जहाजगढ़ माजरा साइड और झज्जर साइड आता है, ये रोड काफ़ी अच्छा है। मतलब खड्डे वड्डे कम है, बढ़िया रोड है, आराम से आप इजीली चला सकते हो, एवरेज भी अच्छी आती है। तो वही है, और तो मैंने बाइक को सारा पैक कर ही रखा है। और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, चाय वाय पीता हूँ, फिर निकलूँगा आराम से। और ये रोड काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और मैं अभी यहाँ से मुझे लगने वाला है कम से कम 1.5-2 घंटे और लगने वाले हैं। बढ़िया था, काफ़ी सही रहा है, थका नहीं इस रोड पे, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया मेरे को। आप देख रहे होंगे दोस्तों कितनी हरियाली है यहाँ पे, कितना अच्छा माहौल है, लगने वाला माहौल है। मतलब ऐसा गुड़गांव में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, मतलब यहाँ स्वच्छ हवा है, स्वच्छ वातावरण है, बहुत अच्छी जगह है, अच्छी जगह है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण का कुछ मज़ा ही कुछ हो रहा है। मतलब कि स्वच्छ हवा ना गुड़गांव में है ना दिल्ली में है, जो है बस आसपास के एरिया में है। भाई मैं बाइक चला रहा हूँ ना, जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऐसा मन कर रहा है अभी, देखो यार, बहुत मतलब मन खुश हो गया मेरा, मतलब हफ्ते भर की थकान दूर हो गई। यहाँ पूरा भाई अपना खेत है, पूरा मस्त एक नंबर का माहौल है यहाँ पे। दोस्तों मुझे तो बड़ा मस्त लगा यार, घर में खाना बड़ा मस्त था, देसी घी, देसी खाना। और तो भाई बस यही है जो है लाइफ में। ये झज्जर का नया ब्रिज है, ठीक है। तो ये रेलवे लाइन है झज्जर की, देख रहे होंगे आप दूर दूर तक भट्टे नजर आ रहे होंगे। पहुंच गया
हूँ झज्जर, ये झज्जर का ब्रिज नया बना है। हम जैसे ही इधर से आते हैं ना माजरा साइड से, तो ये ब्रिज आता है और काफ़ी अच्छा ब्रिज बना हुआ है। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ आगे, गुरुग्राम, रोहतक, फरुखनगर, रेवाड़ी। अभी आएगा रेवाड़ी, फिर आएगा गुरुग्राम, और रोहतक अपने लेफ्ट हैंड साइड को है, रेवाड़ी राइट हैंड साइड को है। तो दोस्तों अभी अपनी ट्रिप